हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे 25 फिट बाई 50 फिट प्लॉट की प्लानिंग के बारे में। ये फ्रेंड्स, हमारा जो प्लॉट है इसके फ्रंट साइड में मेन रोड है और इसका जो बैक साइड है, बैक साइड में भी पतला रोड है। तो आज हम आपसे इसी मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। मैप के साथ में हम आपको बताएंगे इसके कॉलम लेआउट के बारे में, कि इसमें कहाँ कहाँ पे कॉलम आएंगे, किस साइज के कॉलम आएंगे और कॉलम्स के अंदर कितना सरिया पड़ेगा। ये सब डिटेल हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स, हमारा जो प्लॉट है इसमें हमने जो मेन एंट्री हुई है, इसमें हमने दो एंट्री रखी हुई है। एक एंट्री हमारी 10 फीट वाइड की है जो कि हमारी मेन एंट्री होगी। एक हमारे पास 3 फीट 6 इंच वाइड की एंट्री है जो कि हमारी जनरल एंट्री होगी। तो ये फ्रेंड्स, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का हमने पूरा ही पार्किंग रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा पार्किंग रहेगा, सिर्फ इसमें हमारा स्टेयरकेस का डिज़ाइन है। यदि आप इसके हाफ पोर्शन में पार्किंग देना चाहें, हाफ पोर्शन को आप बनाना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। ये जो हमारा प्लॉट है, प्लॉट के इसमें हाफ से यदि हम पीछे के एरिया को बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। फ्रंट में सिर्फ आप दो गाड़ी की पार्किंग देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप इसको पूरा स्टिल्ट देना चाहें, इसमें सिर्फ एक वॉश एरिया ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, हमारा जो स्टेकेस है, स्टेकेस हमारा ये 10 फीट 10 इंच बाई 9 फीट 6 इंच का हमारा ये स्टेकेस रहेगा। और इसमें हम यहाँ से अप करेंगे, ये जो अप टू FF लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपने इस एरो के डायरेक्शन में जाएंगे। और हमारा जो फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर पर हम यहाँ पर एग्जिट होंगे। ये जो हमारी लैंडिंग है, इस लैंडिंग पर हम एग्जिट होंगे। तो फर्स्ट फ्लोर फ्रेंड्स आने पर हमें यहाँ पर मिलेंगे दो फ्लैट। एक हमारा फ्रंट में 2 BHK का फ्लैट होगा, एक हमारा बैक साइड में 2 BHK का फ्लैट होगा। तो ये हमारा फ्रंट में जो 2 BHK का फ्लैट है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो हमारा डोर है, इस डोर से हम अपने फ्लैट में एंटर करेंगे। तो आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर मिलेगा लिविंग और डाइनिंग एरिया। ये हमारे पास लिविंग और डाइनिंग एरिया होगा जो कि हमारे पास 17 फिट 2 इंच बाई 8 फिट 5 इंच का होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा 4 सीटर डाइनिंग टेबल रहने वाला है, जिसपे बैठकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ खाना वगैरह खा सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर ये एल शेप में सोफे का डिजाइन रहेगा, मीन्स कि यहाँ पर ये जो हमारा सोफा है, इसे हम अपना गेस्ट के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे लिविंग एरिया पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा किचन का डिजाइन रहेगा जो कि हमारे पास 6 फिट बाई 8 फिट 5 इंच का हमारा किचन है, जिसमें हमने स्टोव डिजाइन किया हुआ है। ये हमारे पास सिंक का डिजाइन रहेगा, यहाँ पर हमारा फ्रिज रहेगा। ये हमारे पास टॉयलेट का डिजाइन रहेगा जो कि हमारे पास 8 फुट 10 इंच बाई 4 फुट 10 इंच का हमारा टॉयलेट है। और ये जो हमारा टॉयलेट है, ये हमारे पास कॉमन टॉयलेट है, इसे फैमिली का कोई भी मेंबर यूज कर सकता है। मीन्स कि यदि हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आया तो गेस्ट वगैरह भी इस टॉयलेट को यूज कर सकता है, या फिर फैमिली में कोई भी मेंबर है तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकता है। यहाँ पर हमारा डक्ट का डिजाइन रहेगा जो कि हमारे पास 2 फिट 9 इंच बाई 4 फिट 9 इंच की हमारा डक्ट रहेगी, जिससे हमारा इस टॉयलेट का वेंटिलेशन होता रहेगा और ये जो हमारा किचन है, किचन का भी वेंटिलेशन होता रहेगा। ये फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट में दो बेडरूम होंगे। ये जो हमारा बेडरूम है, ये हमारे पास 11 फुट 8 इंच बाई 10 फुट का हमारा बेडरूम है, जिसमें हमने बेड डिजाइन किया हुआ है। ये हमारे पास कवर्ड का डिजाइन है, ये टीवी का डिजाइन है। और ये जो हमारा बेडरूम है, ये भी हमारे पास 11 फुट 6 इंच बाई 10 फुट का हमारा बेडरूम है, जिसमें हमने बेड डिजाइन किया हुआ है। ये हमारे पास कवर्ड का डिजाइन है, ये हमारा टीवी का डिजाइन है। और हमने दोनों ही बेडरूम के लिए बालकनी से ऐड किया हुआ है। ये हमारे पास 3 फुट वाइड की बालकनी रहेगी और इस बालकनी को ही हमने इन दोनों ही बेडरूम से ऐड किया हुआ है। और इन दोनों ही बेडरूम में हमने यहाँ पर विंडो का डिजाइन दिया हुआ है, जिससे कि हमारा दोनों ही बेडरूम्स का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा और बेडरूम के अंदर नेचुरल लाइट भी आती रहेगी। तो ये फ्रेंड्स, हमारा 2 BHK का फ्लैट है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री है जो कि हमारे लिविंग एरिया में हो रही है। ये हमारे पास किचन है, ये हमारा टॉयलेट रहेगा। फ्रंट में हमारे दो बेडरूम होंगे। अब हम आपको बताते हैं इसके वेबसाइट के फ्लैट के बारे में। तो ये जो हमारा डोर है, इस डोर से हम अपने इस फ्लैट में आएंगे। तो इस फ्लैट में आने पर इसे में भी हमें यहाँ पर मिलेगा लिविंग एरिया जो कि हमारा एज इट इज प्लान है। ये जो हमारा प्लान है, इसका जो फ्रंट का जो हमारा फ्लैट है, इसी तरीके का ये भी हमारा रहेगा। इसमें भी हमारा लिविंग एरिया होगा जो कि हमारे पास 17 फिट 2 इंच बाई 8 फिट 5 इंच का होगा। यहाँ पर हमारा 6 फिट बाई 8 फिट 5 इंच का हमारा किचन है, जिसमें हमने स्टोव डिजाइन किया हुआ है। ये सिंक रहेगा, यहाँ पर हमारा फ्रिज का डिजाइन रहेगा। बैक साइड में हमारे दो बेडरूम होंगे। ये जो हमारा बेडरूम है, ये हमारे पास 11 फिट 8 इंच बाई 10 फिट का हमारा बेडरूम है। और ये जो हमारा बेडरूम है, ये भी हमारे पास 11 फिट 6 इंच बाई 10 फिट का हमारा बेडरूम है। और दोनों ही बेडरूम में हमने बैक साइड में दो विंडो का डिजाइन दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो होंगी। और इन दोनों विंडोज से हमें इन बेडरूम्स के अंदर काफ़ी सारा उजाला मिलेगा और बेडरूम्स का प्रॉपर वेंटिलेशन भी होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें हमारा ये 2 BHK के दो फ्लैट हैं। एक फ्लैट हमारा बैक साइड में है और एक फ्लैट हमारा ये फ्रंट साइड में है। तो ये फ्रेंड्स, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के इसके बैक साइड का वाला ये जो पोर्शन है, यदि आप इसको आधा ही बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा बैक साइड वाला जो फ्लैट रहेगा 2 BHK का, इस फ्लैट के लिए आप इसके ग्राउंड फ्लोर में यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके कॉलम लेआउट की तरफ। ये फ्रेंड्स, हमारे पास कॉलम का मैप है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे हमारे जो कॉलम का जो साइज है, वो हमारा सिंगल साइज का पूरा कॉलम है जो कि 9 इंच बाई 12 इंच का है। और ये जो हमारा डिजाइन है, ये हमारा सिर्फ 2 से 3 स्टोरी तक का डिजाइन है। 2 से 3 स्टोरी में ही हम इस कॉलम लेआउट को यूज कर सकते हैं। यदि आप अपना ये जो घर बना रहे हैं, यदि 4 स्टोरी या 5 स्टोरी के पर्पज से बना रहे हैं, तो आप ये कॉलम लेआउट नहीं यूज कर पाएंगे। तो ये जो हमारा कॉलम लेआउट है, ये हमारे पास इसमें जो कॉलम का जो डिजाइन किया हुआ है, इसमें हमारे 18 कॉलम हैं। और प्रत्येक कॉलम में जो वार्स पड़ी हुई हैं, जो सरिया पड़ी हुई हैं, हमारे 6 वार्स हैं जो कि हमारी
कॉर्नर वाली जो वार्स हैं वो हमारे पास 16 mm की हैं, और जो सेंटर वाली वार्स हैं हमारे पास 12 mm की हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कॉलम का लेआउट है जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मैप का डिजाइन है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।